जब बच्चा छोटा होता है और माँ के बाल नोचता है तो माँ को जरा भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि माँ मुस्कुराती है। लेकिन जलालाबाद में एक कलयुगी बेटा अपनी ही माँ के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाया। माँ से नाराज बेटा यहाँ अपनी ही माँ का कातिल बन गया। जमीनी विवाद को लेकर कलयुगी बेटे ने चारपाई पर सो रही अपनी माँ को मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया और माँ की हत्या कर दी। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना से इलाके के लोग सकते में हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। माँ की हत्या से जुड़ी दिल दहला देने वाली इसी खबर के साथ शुरुआत करते हैं जिले भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों की। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। जलालाबाद में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। जलालाबाद कस्बे में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को आग के हवाले कर दिया। यहां के रहने वाले बेटे आकाश गुप्ता और उसकी पत्नी पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर अपनी मां को रात सोते समय जिंदा जला दिया। मां रत्ना देवी से मकान के बंटवारे को लेकर बेटे का विवाद चल रहा था। विवाद इतना बड़ा कि माँ और बेटे के बीच समझौता कराने के लिए पंचायत भी हुई। पंचायत में दोनों के बीच समझौता करा दिया गया था, लेकिन बेटा अपनी ही बुजुर्ग माँ से रंजिश मानने लगा और बीती रात मौका पाते ही कलयुगी बेटे ने माँ पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी, जिससे माँ गंभीर रूप से झुलस गई और दर्द से तड़पने लगी। परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से झुलसी माँ को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। माँ ने कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। मरने से पहले झुलसी माँ ने अपने बेटे और बहू पर आग लगाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी बेटे और उसकी पत्नी सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, कल रात देर रात की घटना है। इसमें उनके परिवार का ही दो भाइयों में आपस में विवाद चल रहा था। इसमें पंचायत में हुई, दोनों भाइयों के विरुद्ध 104 की कार्रवाई भी की गई थी। इसमें बड़े वाले बेटे के ससुराल के कुछ लोग भी आए थे और कल फिर पंचायत में कुछ बातें तय भी हुई ऐसा बताया गया। इसके बाद रात में यह दुर्घटना हुई या घटना हुई, तो इसमें इसके छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई और उनके परिजनों के विरुद्ध एक तहरीर दी है, जिसके आधार पर विधिक कार्रवाई थाना स्तर पर की जा रही है। कोठार इलाके के एक फरियादी की जब थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने आज डीएम कार्यालय के सामने जाकर गाना गाकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। फरियादी का कहना है कि शायद उसके गाने से अधिकारियों का दिल पसीज जाए। फरियादी यहां ग्राम सभा की जमीन से कब्जा हटवाने की मांग को लेकर आया था। फिलहाल फरियादी ने न्याय के लिए अब धरना शुरू कर दिया है। दरअसल खुटार थाना क्षेत्र का रहने वाला फरियादी अमरीक सिंह पिछले कई दिनों से ग्राम सभा की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहा था। थाना स्तर और तहसील स्तर पर जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो अमरीक सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गाना गाकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। उसका कहना है कि इलाके के दबंग ग्राम सभा की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और अधिकारी कान में तेल डालकर बैठे हैं। फरियादी का कहना है कि शायद उसके गाने से अधिकारियों के दिल को पिघला दे और उसे न्याय मिल जाए। फरियादी की मांग है कि जब तक ग्राम सभा की जमीन से कब्जा नहीं हटवाया जाता है और कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो तब तक वह धरना प्रदर्शन जारी रखेगा। यहाँ साहब आए हैं, हम पिछले नौवें महीने की 6 तारीख से ऐसा हुआ कि एक जगह कब्जा हो रहा था। हमने कहा क्या बना रहे शुक्ला जी के लड़कों से, उनने कहा दुकानें बंद हैं, पीछे मकान बन जाएगा। हमने कहा ये तो ग्राम समाज है, उसने एक ही बात कह दी तुम्हारे बाप की है। हम कहा जिसके बाप की होगी उस बाप को मिलाऊंगा तुम्हें, समझे, हमारी नहीं है तो तुम्हारी भी नहीं है। सब शिकायतें हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। जब कोई थाने से पहली एप्लीकेशन पटवारी कानून को तहसीलदार और एडीएम सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब ने 2 दिन निर्माण करवाया, निर्माण के बाद 3रे दिन फिर काम चालू हो गया। डीएम के पास 20 एप्लीकेशन लगी हैं, रख लेता पड़ी नहीं आज तक उन्हें। क्या कहता डीएम? बस रख लेता, तहसीलदार के पास जाओ, वो कहते कानून के पास जाओ, का पटवारी 3 बार चक्कर डंडे लगा के फिर चले जाओ घर। बस यहाँ बैठे रहेंगे, रात दिन मरेंगे सारे को। हमारा कोई साथी नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई हम पार्टनर नहीं हमारा। हम तो सरकार की जगह है, हमारी तो है नहीं, लेकिन बात की बात है,
उन्हें हमें सरकार को मिलाना है कि सरकार अपनी जगह क्यों नहीं ले रही। इसका मतलब भी तो होगा, मनी शाम लिया है तब नहीं दे रहे थे बड़े अधिकारी हैं, पैसा नहीं लिया तो काहे बंदे दिन दिहाड़े। आज भी देख, हमें खुशी है भाई सरकार उससे दब रही है। इतने बड़े आदमी 45 एकड़ ज़मीन है उनकी, सुरेंद्रनाथ शुक्ला की हैं, और को उन वो उनसे सरकार से तगड़ी पड़ रही तब तो उन्होंने कहा देख लेंगे सरकार को भी। अब देख रही है, कोई नहीं सुन रहा। अब बताइए इसके बाद क्या देखा हमारे पास। सिंधौली के महानंदपुर के पास एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार भाई बहन को टक्कर मार दी। हादसे में बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार भाई बाल बाल बच गया। हादसा सायहापुर से पुआएं की ओर जाने वाले स्टेट हाईवे पर सिंधौली इलाके के महानंदपुर गाँव के पास हुआ, जब पीछे से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी सवार युवती सड़क पर गिर गई, जिसके ऊपर से ट्रक का पहिया गुजर गया। वहीं स्कूटी चला रहा हिमायू नाम का युवक बाल बाल बच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और ट्रक चालक मौका पाकर भागने में कामयाब रहा। जलालाबाद पुलिस ने चोरी के आभूषण के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इलाके के गांव चंदौरा बहादुरपुर के रहने वाले सुभाष नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुभाष के पास से लाखों रुपए के चोरी किए हुए गहने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया है। तेलहर की रहने वाली ममता देवी ने अपने पति धर्मेंद्र कुमार पर मारपीट करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। ममता का आरोप है कि उसका पति शराबी है और जुआ खेलता है, शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है। महिला का कहना है कि उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन खर्चे के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। अपने मायके में रह रही महिला ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है, पति से खर्चा दिलवाया जाए ताकि वह अपने बच्चों का पेट पाल सके। पत्नी और बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिला अधिकारी होम क्वारंटीन है, तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के चलते जिलाधिकारी कार्यालय में फरियादियों को सुनवाई के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एडीएम प्रशासन और एडीएम एफआर को फरियादियों की सुनवाई के लिए लगाया गया है। थाना पुआएं के एक दरोगा पर एक पीड़ित को पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित सिद्धेश्वर ने आरोप लगाया है कि जब वह थाने शिकायत करने पहुंचा तो दरोगा ने उसके साथ मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि सुविधा शुल्क ना देने पर उसे पूरी रात पीटा गया, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। खून का रिसाव ना रुकने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। यहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में अब जांच की बात की जा रही है। थाना जैतीपुर में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। यहां थाने से चंद कदमों की दूरी पर चोर चोरी करते रहे और पुलिस गश्त लगाती रही। फिलहाल पीड़ित ने तहरीर देकर चोरी के खुलासे की मांग की है। बताया जा रहा है कि शाही गांव के रहने वाले कालीचरण का मकान जैतीपुर थाने के पास बना हुआ है। यहां देर रात चोर दीवार फांदकर घर के अंदर घुस गए और सोने चांदी के जेवर सहित नकदी चुरा ले गए। खास बात यह रही कि पुलिस गश्त करती रही और चोर हाथ साफ करते रहे। फिलहाल पुलिस जल्द ही चोरी के खुलासे का दावा भी कर रही है। थाना सदर बाजार क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण करके और बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि जब पीड़ित अपनी बेटी का पता लगाने थाना सिंधौली के इमलिया गांव के रहने वाले आरोपी राजकुमार के घर पहुंची तो उसे जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया। आरोप है कि थाना पुलिस ने बेटी को बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन SC ST एक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर बेटी को बरामद कराने और आरोपियों के खिलाफ SC ST एक्ट की कार्यवाही किए जाने की मांग की है। खुदागंज पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने पशु तस्करी करने वाले 5 सातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने अवैध असलाह और कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल खुदावगंज पुलिस और SOG टीम को सूचना मिली थी कि इलाके के गांव मझिला में कटना नदी के पास कुछ लोग पशु चोरी की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किया गया मेहंदी हसन इस्लाम और मुन्ना निगोही इलाके के रहने वाले हैं। वहीं इनका एक साथी शाहिद पीलीभीत और रहीम जिला हरदोई का रहने वाला है। आपको बता दें कि पशु तस्कर इस्लाम के खिलाफ 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं और शाहिद उर्फ पप्पू के खिलाफ भी 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। ये पिछले कुछ महीनों में यहाँ जो भैंस हैं उनकी चोरी की सूचनाएं काफी दिनों तक थाना क्षेत्रों से, इसमें यह शिकायत थी कि साहब वो पिकअप से गाड़ी पिकअप गाड़ी लगाते हैं और भैंसों को वहाँ से उठा ले जाते हैं। इस पे हमारी एस ओ जी की टीम और थाना खुदागंज की भी टीम लगी हुई थी, क्योंकि एक पिकअप जो है वो थाना खुदागंज से इन्होंने यूज किया था करीब 2.5 महीने पहले, तो उसी आधार पे इनको इलेक्ट्रॉनिकली भी डिजिटली भी इसको एनालाइज किया गया और उस आधार पे पूरा गैंग प्रकाश में आया था। इस पे इनके इनका निगरानी निरंतर चल रही थी। कल या रात को सूचना मिली कि ये गैंग जो है वो थाना खुदागंज क्षेत्र में भी कोई वारदात करने के लिए इसी प्रकार की आ रहा है। इसी पे एस ओ जी की टीम और थाना खुदागंज की टीम द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ में इस गैंग को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 सदस्य भी गिरफ्तार हुए सरगना से। भारतीय किसान यूनियन ने खिरनीबाग रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए किसान यूनियन ने पिछले बकाया गन्ना भुगतान धान खरीद में हो रही धांधली को लेकर कार्रवाई, हथौड़ा में फैक्ट्री मालिक के द्वारा बंद किए गए किसानों के खेत को जाने वाले रास्ते को खुलवाने, बंडा के मार्केटिंग इंस्पेक्टर और महिला कर्मचारी के तबादले की मांग सहित तमाम मांगों को लेकर हल्ला बोल दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। पुराने जिला अस्पताल में क्षय रोग को लेकर आज मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में बताया गया कि एक्टिव केस फाइंडिंग का कार्यक्रम 2 नवंबर 2020 से 11 नवंबर 2020 तक चलाया जाएगा। डॉक्टर नरेश पाल को क्षय रोग कार्यक्रम का नोडल अफसर बनाया गया है। बताया गया है कि एक टीम एक दिन में कम से कम 50 घर या फिर 250 लोगों की टीवी से संबंधित स्क्रीनिंग करेगी, साथ ही कोरोना की जांच भी की जाएगी। क्षय रोग के नोडल अफसर डॉक्टर नरेश पाल ने टीवी रोग से किसी भी तरह की दिक्कत होने पर तत्काल जांच कराए जाने की अपील की है। खोडार पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री सीटर बदमाश सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मोहल्ला नारायणपुर के रहने वाले कल्लू उर्फ राम गोपाल को शराब तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाली मोटरसाइकिल को भी कब्जे में लिया है। वहीं पुलिस ने नकली डीएपी खाद की बिक्री करने वाले आरोपी सोनू गुप्ता को भी गिरफ्तार किया है। सोनू पुआए नगर के मोहल्ला कमलबाग का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। ब्राह्मण चेतना परिषद ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण चेतना परिषद का कहना है कि ब्राह्मणों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, ब्राह्मणों के साथ ही आपराधिक घटनाएं भी घटित हो रही हैं। ब्राह्मण चेतना परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी ने मांग की है कि ब्राह्मणों के साथ हुई घटनाओं की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और ब्राह्मणों का उत्पीड़न रोका जाए। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध पेंशनर्स कल्याण समिति के सदस्यों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन जल्द जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि गन्ना शोध परिषद सायहपुर में तैनात रिटायर्ड वैज्ञानिकों और कर्मियों को शासन द्वारा प्रदान की जा रही पेंशन सुविधा में अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं और रिटायर्ड वैज्ञानिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में पूर्व वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द पेंशन दिए जाने की मांग की गई है। उनका कहना है कि पेंशन न मिलने से रिटायर्ड वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। रेलवे द्वारा रास्ता बंद करने के विरोध में निगोही के ककरौआ में कल से ग्रामीण ककराहा के पास रेलवे क्रॉसिंग पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग पार करने के लिए उन्हें कई किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, चीनी मिल गन्ना पहुंचाने के लिए भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक रेलवे लाइन पर सबवे नहीं बनाया जाएगा तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।
थाना सेरामऊ दक्षिणी पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक महिला समेत चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इलाके के गांव कुतुआपुर के रहने वाले रक्षपाल देवकली के मुन्नालाल और महमदपुर के भुवनेश को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बादशाह नगर की एक महिला को भी शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 60 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने इनके पास से बरामद हुई भारी मात्रा में लहन को मौके पर ही नष्ट करा दिया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र की राजस्व ग्राम लौका में कल्लात देवस्थान को लेकर हुए विवाद पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। आज लेखपाल गुरुप्रकाश चौधरी के साथ पुलिस बल ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में देवस्थान का सीमांकन कराया और विवाद का निस्तारण करा दिया। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है।